तो भाइयों ये है 2023 मॉडल वाली होंडा यूनिकॉर्न, ठीक है। तो अगर शोरूम पे जाएंगे तो यही वाली खड़ी मिलेगी, कोई भी नया बदलाव इसमें नहीं है। अब सबसे पहला सवाल उठता है, क्या इंजन BS7 हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। BS6 2.0 यानी कि BS6 का फेज टू स्टार्ट हो गया है अप्रैल से 2023 से, और ये वीडियो हम बना रहे हैं मार्च 2023 में, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखें कि कोई भी BS7 का अपडेट नहीं आया है। जितने भी लोग बोल रहे हैं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि BS7 अभी विदेश में नहीं है तो इंडिया में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इंजन आपको वही मिलेगा, बस वो फेज टू स्टार्ट हो चुका है BS6 का, और भी कोई इसमें बदलाव नहीं है। यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक है जिसको लगता है कंपनी बना के भूल गई है, उनको ऐसा मतलब कोई जाके याद वाद दिला दो यार, कैसे कि ये बहुत अच्छी बाइक है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उनको कोई जाके याद दिला दो भैया कुछ अपडेट इसमें भी कर दो, कैसे कि ऐसे सूखी पड़ी हुई है। ग्रे कलर आप देख रहे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कीमत कितनी है। मैं 3 मिनट के अंदर पूरा रिव्यू कंप्लीट कर दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे। पहले कीमत जान लीजिए, क्योंकि 1,05,000 रुपए 1,05,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है 2023 में। ऑन रोड ये मिल जाएगी आपको लगभग 1,27,000 से लेकर 1,32,000 के बीच में, 1,27,000 टू 1,32,000 में ये ऑन रोड मिल जाएगी, कागज वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। मीटर कंसोल आपको दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले मीटर कंसोल देखिए, फुली एनालॉग मीटर कंसोल, कुछ भी डिजिटल जैसा नहीं है। लाइट वगैरह जो जलती हैं उसे डिजिटल मानना है तो मान लीजिए, आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ भी डिजिटल नहीं मिलता है। लेकिन आपको ओडोमीटर मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, आप रीसेट वगैरह करके कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं कितनी दूरी आप तय किए हैं। और जितने भी भैया उसको पसंद करने वाले हैं यूनिकॉर्न को, उनके लिए यही मीटर कंसोल सफिशियंट है। स्विच वगैरह की बात करेंगे तो इसमें कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं है, जैसे सभी बाइक को मिलता है वैसे इसमें भी सारे स्विच कंपनी प्रोवाइड करती है, कोई एक्स्ट्रा या कोई मिसिंग स्विच इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, माइलेज कमाल का है भैया, लगा चलाओगे कम से कम 45 के ऊपर का माइलेज निकलेगा, लेकिन स्पीड 60 से नीचे होनी चाहिए, 60 से ऊपर स्पीड जाएगी तो माइलेज फिर 45 से पहले आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंजन बहुत रिफाइंड है भाई, एक नंबर का इंजन है, इस चीज़ को मान लीजिएगा। कैसे 162 cc का इंजन इसमें लगा हुआ है, और मैक्स पावर आपको 12.74 PS की मिलेगी, और मैक्स टॉर्क 14 Nm का मिलेगा। तो पावर और टॉर्क थोड़ा कम लग रहा है देखने में, लेकिन मस्त है, चलाएंगे रिफाइंड इंजन की वजह से आपको चलाने बहुत मजा आएगा। जैसे होंडा साइन एकदम स्टार्टिंग में आई थी ना, वो जैसे चलाने बहुत मजा आता था, वैसे इसको चलाने में बहुत मजा आएगा। इस बाइक की लंबाई 2081 mm है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक नंबर का है, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 3 लोग भी बैठ जाएंगे फिर भी वो कहीं लड़े वड़ेगी नहीं नीचे से, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। वेट इसका 140 किलोग्राम है, पेट्रोल भरवा देंगे 1.5 क्विंटल की हो जाएगी, तो भैया आपके पैर वैर में जान वान होना चाहिए, इसलिए टेस्ट राइड लेके जरूर चेक कर लीजिएगा। सीट हाइट 798 mm की है, तो भैया अगर ऊंचाई आपकी कम है, अगर आपकी हाइट कम है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। कीमत वगैरह सब हम बता दिए हैं। टायर आगे लगा है 80/100 का, और पीछे लगा है 100/90 का, और 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो भैया कंपनी सेम प्राइस में अगर थोड़ा सा टायर चौड़ा कर देते तो यार मजा आ जाता। आगे 240 mm का डिस्क है और पीछे 130 mm का डिस्क है। सिंगल ABS मिलता है इसमें, डुअल ABS नहीं मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भैया रिव्यू कंप्लीट हो गया, देखिए सारा चीज़ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया 3 मिनट के अंदर। अब जो ट्राई में एक्स्ट्रा जा रहा है इसमें थोड़ी सी बकैती करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए होंडा यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक है जो शुरू से जब से लॉन्च हुई है ना, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, इसकी वीडियो डाल दो ना, चलेगी, पक्का चलेगी। अगर आप कोई भी अच्छी बाइक का वीडियो डाल दो, वो चले ना चले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यूनिकॉर्न की वीडियो डालने पे पक्का चलती है। इसी से पता चलता है कि भैया इसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, लोग इसको बढ़ चढ़ के पसंद करते हैं। ये नीट एंड क्लीन बाइक है, साफ सुथरी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कंपनी नहीं लगा कर देती है, जैसे फ्यूल काउल या फिर इंजन काउल या फिर वाइजर खूब बड़ा कर दे, खूब ठंड कमन, कुछ नहीं। LED लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलती है इसमें, सब एकदम सिंपल है, नॉर्मल है, इसलिए फैमिली के लिए परफेक्ट बाइक है। एक बार लेने से पहले टेस्ट राइड ले लीजिएगा, मजा आ जाएगा, और सबसे कम कीमत में 160 cc में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।